हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन अ पीएसयू बैंक। आज हम बात करने वाले हैं उस कंडीशन के बारे में जो कहीं ना कहीं किसी रूप में हम सभी को प्रभावित करती है, और उस कंडीशन का नाम है डिप्रेशन। और लॉकडाउन की इस करंट सिचुएशन में इस बात की बहुत संभावना है कि डिप्रेशन हम लोगों को और भी ज़्यादा तेज़ी से हिट करे। देखिए, कोविड और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन ने विश्व के सभी देशों को, उनकी इकोनॉमीज को और उनमें रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ज़रूर प्रभावित किया है। वो लोग चाहे सैलरीडी क्यों ना हो, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो। इस बीमारी की वजह से कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स असेंशियल सर्विसेज में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, दे आर वेरी प्रोन टू कोविड-19। अब इसी कंडीशन में हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, या तो उनकी जॉब खो चुकी है या फिर वो सैलरी कट का सामना कर रहे हैं। और वहीं हम नए बिजनेसेस की बात करें तो या तो वो बंद हो रहे हैं या फिर सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस पूरी कंडीशन से जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं, वो भी अछूते नहीं रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग्स, ये सब बंद हो चुके हैं और ये कब खुलेंगे इनकी भी कोई निश्चितता नहीं है। And vacancies and recruitments are also on hold for uncertain period. और इन सभी की वजह से students के मन में एक uncertainty बनी हुई है कि vacancies कब आएंगी, job opportunities क्या होंगी और vacancies में क्या क्या changes होने वाले हैं। अगर आगे हम private sector की बात करें तो कई बड़े market players जैसे Uber, Ola, Swiggy, Zomato, Book My Show, इन सभी ने laying off किए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन सेक्टर भी एक बहुत बड़े रिसेशन का सामना कर रहे हैं। कई बड़ी कंपनियां और टेक जायंट्स ने अभी हाल ही में अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कट किया है। अगर एग्जांपल की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 25-50% तक उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कट किया है। इवन मुकेश अंबानी जी ने भी एक साल तक सैलरी नहीं लेने का निर्णय लिया है। और प्राइवेट सेक्टर में करियर की इस अनसर्टेनिटी की वजह से वहाँ का यूथ पब्लिक सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, और हो सकता है कि इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाए। और इन सब बातों की वजह से निराशा, स्ट्रेस और डिप्रेशन का आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी हमें अपने मोरल को हाई रखना है, और करंट सिनेरियो में जो एडिशनल टाइम हमारे पास है, इसका हमें यूटिलाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में करना है ताकि हम अपने बेस्ट को बाहर निकाल पाएं। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और अपने आप को पॉजिटिव भी रख पाएंगे। माई फर्स्ट टिप इज़ वैल्यू एडिशन। देखिए, आप अपने खाली समय में कुछ नए तरह की चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं और कुछ नए तरह के कोर्सेज भी कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस तरह के कोर्सेज करके ना केवल आप अपने रेज्यूमे को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपने प्रोफाइल में वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, जिससे ना केवल आप अपने कॉम्पिटिटर से दो कदम आगे हो जाएंगे, बल्कि इन एक्टिविटीज़ में एंगेज होकर आप अपनी पॉजिटिविटी को भी मेंटेन कर पाएंगे। My next tip is reinvent yourself. देखिए, एक बहुत अच्छा समय है अपने आप को reinvent करने का। आप कुछ समय अपने आप को दीजिए और ये सोचिए कि आपकी लाइफ का मोटो क्या है और इस मोटो को पूरा करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ को शार्पन कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस पर काम कर सकते हैं, आप अपनी उन खासियतों को भी खोज सकते हैं जिन्हें आप आज तक नज़रअंदाज करते आए थे। इससे आप अपनी पर्सनैलिटी के उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिवील कर पाएंगे जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते थे, और अल्टीमेटली इनकी हेल्प से आप अपने उन टारगेट्स को भी अचीव कर पाएंगे जो आज तक आपके लिए अनअचीवेबल थे। माय नेक्स्ट टिप इज फ्यूचर एनालिसिस। देखिए, कोविड-19 ने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर सभी तरह के सिनेरियोस को चेंज कर दिया है, और इसकी वजह से जॉब ट्रेंड्स में भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और आपको इन जॉब ट्रेंड्स के चेंजेस पर बहुत पैनी निगाह रखना जरूरी है। यदि हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स की बात करें तो हमें मेडिकल और फार्मा में कई नई तरह की बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। यदि हम फूड सेक्टर की बात करें तो अब होम डिलीवरी और हाइजीन ज़्यादा मैटर करेगा। साथ ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर फूड रेगुलेटर्स में हमें नई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित फील्ड में भी हमें नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। और इस कोविड वाले टाइम में जो ई कॉमर्स में एक बूम आया है, इसकी वजह से इससे जुड़े हुए एंसिलरीज में भी हमें बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। और आपको इन चेंजेस का एनालिसिस कुछ इस तरह से करना है ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। और ये भी अनसर्टेन है कि कितने समय बाद ये जॉब ओपनिंग्स आना स्टार्ट होंगी। एक पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में काफी लंबे समय से कोई जॉब ओपनिंग नहीं आ रही है, लेकिन आपको इन सब बातों से निराश नहीं होना है और आपको अपनी तैयारी कुछ इस तरह से करनी है ताकि आप आने वाले समय में एग्जाम रेडी रह सके। इसी बीच कुछ अच्छी खबर भी हमारे सामने आई है कि यूपीएससी ने हाल ही में अपने एग्जाम कैलेंडर को रीशेड्यूल किया है, और यूपीएससी अक्टूबर में सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स कंडक्ट करने जा रहा है।
तो हम अपने लिए इसे एक हेड स्टार्ट मानते हुए अपनी तैयारी को नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब चैंपियंस रेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो वो अपने पैर को पीछे लेके जाते हैं ताकि वो अपने आप को बेस्ट स्टार्ट दे पाएं। सो स्टेपिंग बैक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विनिंग द रेस। तो आपको अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना है और आपको जरूरत है अपने आप को एक नया स्टार्ट देने की। देखिए, हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं तब सफल होना बहुत आसान होता है, लेकिन जब यही परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं तब हम अपना किस तरह का प्रदर्शन दे पाते हैं। और असली चैंपियन तभी सामने आता है जब वो इन विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करके अपने आप को सही साबित कर पाए। देखिए, ये जीवन असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और हर पल हमारे लिए यहाँ पर नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। हो सकता है कि आपकी असफलता का कारण आपके द्वारा चुनी हुई गलत संभावना हो। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें एक जंगल में सभी जानवरों को पेड़ पर चढ़ने के टेस्ट से गुजारा जाता था। चाहे वो जानवर हाथी हो, बंदर हो, मछली हो या खरगोश हो, सभी को वही टेस्ट देना पड़ता था। और जाहिर सी बात है, अंत में बंदर केवल उस टेस्ट में पास होता था और बाकी सभी जानवर फेल हो जाते थे। तो आप सबसे पहले ये चुनाव कीजिए कि आपकी संभावनाएं क्या हैं और वो संभावनाएं आपकी क्षमता के अनुरूप हैं या नहीं, तभी आप अपने जीवन में सच में सफल हो पाएंगे। देखिए, डिप्रेशन से हार कर यदि आप क्विट कर जाते हैं तो आप अपने सफल होने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों ने अपने जीवन का बहुत समय गुजर जाने के बाद ये जाना कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। वो लोग फेल जरूर हुए लेकिन हारे नहीं। हमारे सामने कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे अब्राहम लिंकन, हेनरी फोर्ड, जॉर्जियो अरमानी। इन सभी के एग्जांपल से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में शुरुआती असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और अपने एम के प्रति हमें फोकस्ड रहना चाहिए। देखिए, हमारी हर गलती या असफलता हमें हर बार नया अनुभव देती है और ये हमें अपनी सफलता के और करीब ले जाती है क्योंकि ये हमारे प्रयासों को रिफाइन करती जाती है। आपने शोशांक रिडेम्पशन मूवी का वो डायलॉग जरूर सुना होगा, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। मतलब आपको अपनी उम्मीद को हमेशा जगा के रखना है, आपको उसे मरने नहीं देना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आपके लक्ष्य से जोड़े रहेगी और आपको उसके और करीब लेके जाएगी। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है कि when you are depressed, you have to talk to your loved ones। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो हमें बहुत अच्छे से समझता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, हमारे सिबलिंग्स हों या फिर हमारा कोई फ्रेंड हो। तो जब भी आप डिप्रेस्ड महसूस करें, आप स्ट्रेस्ड महसूस करें, आप परेशान हों, तो आप ज़रूर अपने लव्ड वन से बात करें, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। देखिए, असफलता से रिलेटेड अमिताभ बच्चन जी की एक बहुत अच्छी पोस्ट मुझे याद आई है। जब अमित जी के पिताजी ने उनसे कहा कि अपने मन का हो तो अच्छा और अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, तब अमित जी ने अपने पिताजी से कहा कि जब अपने मन का ना हो तो वो अच्छा कैसे हो सकता है। तो उनके पिताजी ने कहा कि जब अपने मन का ना हो रहा हो तो वो ईश्वर के मन का होता है और ईश्वर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन बहुत बड़ा है और अपनी छोटी सी असफलता को इसका एक छोटा सा पार्ट मान के इग्नोर कर देना ही समझदारी है। इसलिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग, सो बी स्ट्रांग। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।